खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ से किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने वाली है। हमारे विरोध हल्का में विधायक अब भी विपक्ष का रहा और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता यहाँ से विधायक बन के जाएगा और फिर विरोध हल्का का भरपूर विकास होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार जारी है। कल ये यात्रा बरोदा हल्का में प्रवेश करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं बरोदा हल्का से वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील ढिल्लो, उनसे हम जानते हैं। ढिल्लो साहब, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की? दून साहब, सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से राम राम भाई, और बाकी आप सब देख ही रहे हो मुख्यमंत्री की जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये कल बरोदा हल्के में पहुंचेगी। और उनका पहला अलग अलग पॉइंट है सारे इसके, चिड़ाना से शुरू होगा बरोदा हल्का का, उसके बाद में मंदपुर है, फिर गोवाणा होते हुए फिर बुटाना से बरोदा की तरफ बढ़ेगी। और जनता में काफ़ी उत्साह भी है और बड़े विश्वास के साथ में पार्टी के साथ में बहुत सारे नए कार्यकर्ता जुड़ने जा रहे हैं। जनता को क्यों विश्वास है? आप गांव में गए हैं, आशीर्वाद जो मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा है उसके प्रति किस तरह का दून साहब? इसमें एक्चुअल में क्या है, जैसे अभी धारा 370 का जिक्र करें तो हमारी जो पार्टी ने जो स्टेप लिया है धारा 370-35 को उठाने का, उससे लोगों में एक उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है। और उसी को लेते हुए अब जो जनसमर्थन हमारे साथ पहले था अब उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। वो तो लोग काफ़ी खुश हैं और मनोहर सरकार जैसे कि आप देखते हो हरियाणा में काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से, कोई परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। कोई भी पिछले 5 साल को देख लें तो हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है तो उस हिसाब से जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी मेहनत करने का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसने टारगेट दिया आपकी बार 75 पार। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीत ली थी, मोदी जी की लहर थी मोदी, तो हरियाणा में क्या वो मनोहर लाल खट्टर 75 पार करवा पाएंगे? निश्चित रूप से 75 पार नहीं, अब की बार तो मुझे ऐसे लगता है कि 90 के 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरह से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मनोहर सरकार पे लोगों का भरोसा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब की बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। मुख्यमंत्री की यात्रा कई हल्कों से गुजरी है, काफ़ी जन सैलाब देखने को मिला। एक जन सैलाब आ रहा है क्योंकि भाजपा में दूसरी पार्टियों में काफ़ी नेता गए हैं, वो नेता भी पब्लिक को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता पार्टियों में आए हैं एक हल्के से कई कई दावेदार हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के 75 पार में रोड़ा नहीं अटकाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नए नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, ना कि टिकटों के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट ना मिलने पे ऐसे कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कि आप जैसे देख रहे हो जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो टिकट तो किसी एक ही कार्यकर्ता को मिलनी है, तो बाकी सब कार्यकर्ता उनके साथ में होंगे, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। कांग्रेस या इनेलो जैसे हैं, अन्य पार्टियां हैं, तो उनमें जो भगदड़ होती है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होने वाली है। ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास है लोगों को और पूरा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अब बरोदा विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, बरोदा विधानसभा वो क्षेत्र है जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई, तो बरोदा में आप किस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं? अब की बार जैसे पहले अन्य पार्टियों का यहाँ पे वजूद रहा है काफ़ी, तो अब की बार बरोदा विधानसभा से पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी निश्चित रूप से ये सीट जीतने का काम हम करेंगे। और काफ़ी उत्साह लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कई सारे और भी कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बरोदा हल्का में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। समान विकास की बात भाजपा द्वारा की जा रही है, तो बरोदा हल्के में किस तरह का विकास भाजपा ने 5 साल में करवाया? पिछले 5 साल में अगर बरोदा हल्के को देखें तो जैसे यहाँ पे अन्य पार्टियों से MLA विधायक बन के आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक समान रूप से बरोदा हल्का में विकास कार्यों को एक सिरे तक पहुँचाने का काम किया है। तो आने वाले और जैसे भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी तो बरोदा हल्का में यहीं का
लोकल कोई लीडर पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी निश्चित रूप से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बात टिकट की कही जाए, आप अभी बोल रहे हैं कि किसी को टिकट मिले तो विरोध दल के का भरपूर विकास पहले भी किया है, मुख्यमंत्री जी ने आगे भी करेंगे। भाजपा यदि आपको मौका देती है तो आपके लिए विरोध दल के में क्या विशेष रहेगा, कौन से कामों को आप प्राथमिकता देंगे? देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और विधानसभा में पहुंचाने का काम अगर जनता करती है तो निश्चित रूप से गाँव के जो समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है और कई सारी समस्याएं हैं जिनको सही ढंग से अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनको सारी योजनाओं को एक अच्छे तरीके से लागू करेंगे। कहीं ना कहीं विरोध दल का को अब कांग्रेस का गढ़ आजाद तो विरोध दल का में जो हुड्डा साहब का जिस तरह ज़्यादा असर रहता उसको किस प्रकार आप खत्म करें? दुमन साहब, आपने भी विरोध दल का घूमा, आपने भी देखा है, अब वो माहौल नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और भारी संख्या में, मतलब हम काफ़ी सारे गांव का दौरा किया है और मुख्यमंत्री की जो जन आशीर्वाद यात्रा है इसको सक्सेस करने के लिए हम गाँव में जाते हैं, तो मुझे अब की बार ऐसा कुछ नहीं लगता। यहाँ से किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने वाली है। दुन साहब, जैसे कि आपने देखा है, अगर हम पिछले 20 साल की बात करें, अभी 5 साल से तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन हमारे विरोध दल का में विधायक अब भी विपक्ष का था, तो उस वजह से बहुत सारे मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो ढंग से नहीं पहुँच पाई। यहाँ पर काम हुआ है पिछले 5 साल में, लेकिन जैसे 10 साल हुड्डा साहब CM रह गए, भाई बोलता रहा भाई मैं याडा का हूँ तुम मेरे हो, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं किया। रोज़गार के मामले में देख लो आप, यहाँ पे कोई ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, ना कोई ऐसा कोई शिक्षण संस्थान वगैरह कोई ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है, तो लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस है, इनेलो है या कोई अन्य पार्टी है, लोगों ने नकार दिया उनको और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं लोग और आने वाले जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता यहाँ से विधायक बन के जाएगा और फिर विरोध दल का भरपूर विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल की सरकार विरोध दल के में विपक्ष का विधायक होते हुए भी बहुत से विकास कार्य किए हैं। अगली बार जब दोबारा फिर भाजपा की सरकार आएगी तो विरोध दल का से भाजपा का विधायक होगा और विकास के कार्यों की यहां पर जड़ी लग जाएगी, ये कहना है विरोध दल का से वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील ढिल्लोगा। KNN मीडिया के लिए विरोध दल का से राजेंद्र कुमार के साथ अरुण दून की रिपोर्ट।